दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। तो दोस्तों, आज जिस प्रोडक्ट की मैं रिव्यू लेके आया हूँ वो है सैनियो का, जो जापानी की कंपनी है, उसका एक माइक्रो कैसेट रिकॉर्डर। और इसके बारे में आपको जानकारी दे दूँ दोस्तों कि ये पहले कैसेट जो आता था रेगुलर वाला, ऐसा आपको मैं दिखा देता हूँ, जिस टाइप के कैसेट जो आते थे पहले, जो सभी के घर पे मूवी के चलते थे, ये इस प्लेयर में ये कैसेट नहीं चलता था। इस कैसेट का बिल्कुल मिनिएचर वर्जन बोलिए, ये ऐसा कैसेट होता है। खोल के रखा है मैंने एक, ये ऐसा कैसेट, ये कैसेट इसमें लगता है। रेगुलर कैसेट मैं आपको दिखा देता हूँ, रेगुलर कैसेट का साइज़ ये है दोस्तों, देखिए बिल्कुल 1/4 इसका साइज़ है। तो ये वाला कैसेट उसमें लगता है। जो रेगुलर प्लेयर मेरे वीडियोस में आपने देखा होगा, उसमें ये कैसेट को प्ले करते हैं, लेकिन इस प्लेयर में ये कैसेट लगता है। अभी इसकी खासियत के बारे में आपको कुछ बताता हूँ दोस्तों। इसका मॉडल नंबर है TRC680MM, सॉरी 680M। इसके कुछ फीचर दिए हुए हैं, वो है वॉइस एक्टिवेटेड सिस्टम, 3 डिजिट टेप काउंटर और डिक्टेशन कॉन्फ्रेंस स्विच, मतलब रिकॉर्डिंग के लिए ये काम आता है। ये 3 बेसिक फंक्शंस है इसके। और आपको और तो कुछ खास इसमें लिखा नहीं है, ये जापान की कंपनी है तो मैंने आपको पहले ही बता दी। अब इसको अनबॉक्स करके निकालते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ है ये और इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें एक बढ़िया सा पाउच दिया हुआ है, पाउच के अंदर से इसको निकाला है मैंने। ये ऐसा लुक है इसका सामने से। टॉप में आप इसके कंट्रोल्स को देखेंगे तो प्ले बटन है, स्टॉप बटन है, और ये फास्ट फॉरवर्ड, रिवाइंड, और ये पाउज, ये रिकॉर्डिंग, और सामने में इंडिकेटर है। और एक खास चीज़ इसमें ये रहती है दोस्तों कि यहाँ पे एक स्पीड का रहता है 1.2 और 2.4, मतलब आप इसको जो रेगुलर स्पीड रहती है टेप की 2.4, इसमें तो रिकॉर्ड कर ही सकते हैं, इसके अलावा और 1.2 पे भी कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि ये जो कैसेट है, इसमें देखिए MC60 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस कैसेट को ए साइड और बी साइड में अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तो ये 60 मिनट तक रिकॉर्डिंग होगा, और इसमें प्लेबैक भी हो सकता है 60 मिनट का, कुछ भी सॉन्ग हो या लेक्चर हो या डिक्टेशन हो, कुछ भी। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है कि ये इससे ज़्यादा रिकॉर्ड करे तो आप क्या करेंगे, टेक्निकली इसके स्पीड को हाफ कर देंगे, मतलब 2.4 सेंटीमीटर का जो सेंटीमीटर पर सेकंड का जो स्पीड है उसको 1.2 कर देंगे। यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है जिससे स्पीड आधी हो जाती है। उससे होता क्या है कि ये जो 60 मिनट प्ले और रिकॉर्ड करता है, ये 120 मिनट तक प्ले और रिकॉर्ड कर सकता है। तो मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सामने की तरफ आप देखिए दोस्तों, एक ग्रूव बना हुआ है ये पकड़ने के लिए, ऐसा उंगली के कर्व को ध्यान में रखते हुए इसको ऐसा पकड़ने के लिए बना हुआ है कि इसको आसानी से ग्रैब किया जा सके। इसके अलावा टॉप बुक VAS वॉइस एक्टिवेटेड सिस्टम इसका नाम है। सामने की तरफ एक काउंटर है जिसको दबाने पर रिसेट हो जाएगा, और जैसे ही आप प्ले करेंगे या रिकॉर्डिंग करेंगे तो काउंटर चालू होगा। तो इससे ये होगा कि आप टाइम स्टैम्प डाल सकते हैं कि आपको फॉरवर्ड कहाँ तक करना है, कौन सा आइटम किस टाइम से चालू हो रहा है। फॉर एग्जांपल, कुछ आपने लेक्चर को रिकॉर्ड किया है और उसमें कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको आपके टीचर ने किसी खास टाइम पे बताया है, तो उस टाइम को आप बस इस काउंटर के मदद से नोट कर लीजिए, तो वो इंडेक्स का काम करेगा आपके लिए। और कैसेट के जो ये है ना, ये कैसेट का जो कवर है उसमें आप लिख सकते हैं टाइम स्टैम्प और उस जगह पे क्या रिकॉर्डिंग है, तो आप डायरेक्टली फॉरवर्ड करके वहाँ पहुँचिए और प्ले दबाइए, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आसान सी चीज़ एक होती थी।
जिसको आप बहुत ही काम का समझ सकते हैं। नीचे में वॉइस एक्टिवेटेड सिस्टम ऑन और ऑफ़ है, इसको ऑन और ऑफ रख सकते हैं। आपको रिकॉर्डिंग, डिक्टेशन या कॉन्फ्रेंस, डिक्टेशन बोले तो आप ये प्लेयर आपके पास में है और आप किसी को डिक्टेट कर रहे हैं तो वो रिकॉर्डिंग होगी, और कॉन्फ्रेंस मतलब आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में है, वहाँ पे कुछ माइक पे स्पीच चल रहा है या कुछ और प्रोग्राम चल रहा है, उसको आप कॉन्फ्रेंस मोड में डाल के रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनबिल्ट माइक है जो कैप्चर करता है सारे आसपास के सराउंडिंग के जो भी वॉइस है उसको, और उसको रिकॉर्ड करके इस कैसेट में सेव करता है। इसके अलावा ईयरफोन का जैक है, माइक का जैक है। माइक का जैक इसलिए दोस्तों कि अगर आपको एक्सटर्नल माइक से कुछ रिकॉर्ड करना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर दिया हुआ है वॉल्यूम को कम और ज़्यादा करने के लिए। तो चलिए इसमें हम सेल डालते हैं, दो इसमें दो डबल साइज की सेल लगती है, इसको मैंने डाल दिया। स्पीड को 2.4 रखा है क्योंकि ये 2.4 वाली रिकॉर्डिंग वाली ही है मेरे पास में। इसको डालते हैं अंदर। अब इसमें क्या है, मैंने प्री रिकॉर्डेड कुछ चीज़ें हैं उसको डाल रखा है, प्री रिकॉर्डेड कुछ वॉइस है क्योंकि आपको सुनाना है, तो यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूँ। यहाँ पे देखिए एलईडी लाइट जल गया और जब भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग हुआ है वो प्ले हो रहा है। कैसेट को पलटते हैं, आपने सुन लिया कि इसमें कुछ तो कुछ लेक्चर टाइप का कुछ आइटम है जो रिकॉर्डेड है, तो इस टाइप का चीज़ आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्लेबैक कर सकते हैं। साइज़ भी काफ़ी हैंडी है, देखिए एक हथेली से भी छोटी है ये, पैकेट में आराम से आती है और काफ़ी नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग आएगी आपको इसको लेके। काफ़ी बढ़िया पीस है, बिल्कुल बॉक्स पैक है। तो दोस्तों अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, ऐसे ही वीडियोस को आगे देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। और अगर आप में से किसी को भी ये वॉइस एक्टिवेटेड माइक्रो कैसेट रिकॉर्डर लेना है सैनियो का मेड इन जापान, तो आप डिस्क्रिप्शन पर देखिए मेरा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।